HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीदेवी अपनी अपकमिंग मूवी मॉम की तैयारी को लेकर इतनी बिजी थी कि वो पति बोनी कपूर को इग्नोर करती रही। हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने बताया कि 3 महीने तक मैंने बोनी से पति की तरह बात तक नहीं की। श्रीदेवी के मुताबिक, मैं बस उन्हें सुबह गुड मॉर्निंग और रात में गुड नाइट ही विश करती थी। 3 महीनों तक मैं कभी भी उनसे ठीक से बात तक नहीं कर पाई। मैं सिर्फ डायरेक्टर की सुनती हूँ। श्रीदेवी ने बताया कि मैं जब भी कोई फिल्म करती हूँ तो सिर्फ अपने डायरेक्टर की सुनती हूँ। इस फिल्म के डायरेक्टर रविवार उद्यावर के विजन के मुताबिक ही मैंने काम किया। वो बेहतरीन डायरेक्टर हैं। बता दें कि श्रीदेवी के फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने पर बोनी कपूर ने मॉम फिल्म के तौर पर उन्हें यह गिफ्ट दिया है। यह फिल्म एक माँ देवकी और उसकी टीनेज डॉटर आर्या की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना और सुशांत सिंह भी हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर हैं, जबकि म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। यह 7 जुलाई को रिलीज होगी।